खबर विराटनगर से। त्रिवेणी धाम में जागीर समाज के आयोजित बैठक में हुआ निर्णय। शाहपुरा त्रिवेणी धाम स्थित विश्वकर्मा मंदिर में बुधवार को विश्वकर्मा जागीर ब्रह्मांड विकास एवं निशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 14 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर 11 जोड़ों का निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व उप सरपंच बाबूलाल जागीर ने विचार व्यक्त करते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन हर तहसील स्तर पर आयोजित करने की जरूरत बताई। आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति अध्यक्ष दामोदर प्रसाद पवार ने बताया कि 14 नवंबर देवउठनी एकादशी को त्रिवेणी धाम पर होने वाले अष्टम आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। त्रिवेणी धाम के संत शिरोमणि राम रीछपाल दास महाराज के आशीर्वाद व सानिध्य में विवाह सम्मेलन होगा। कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल अमसर ने कहा कि विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े का लक्ष्य रखा है। कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जागीर ने कहा कि दहेज पर अंकुश लगाना व कम खर्च में सामूहिक विवाह करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। महामंत्री प्रमोद कुमार जागीर व मालीराम बलेसर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति में भागीदारी लेना व बालक बालिकाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। पूरणमल जागीर ने सामूहिक विवाह सम्मेलन एक ही दिशा सामूहिक विवाह में एक ही दिशा दिवसीय रखने का प्रस्ताव रखा। बैठक में बाबूलाल गोविंदपुरा, रामेश्वर प्रसाद खौरा, ओम प्रकाश आमेर, मालीराम पवार, गजानन देवरीपुरा, नवरत्न बैराट, ओम प्रकाश काठ, श्रवण जागीर देवन, रूडमल जागीर देवराला, हरिओम राजेंद्र बाड़ी जोड़ी सहित समिति के पदाधिकारियों व सदस्य सहित समाज के काफी लोग मौजूद थे।